गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई पर्सनल वीडियो डायरी। सो गाइज अभी मैं आया हूँ छत पर, सोचा कि यार क्या करूँ, मैं फॉर्म भरता हूँ, मैं आगे की प्रोसेस में बैठा था और जैसे मैं फॉर्म भरने लगा नानी ने बोला कि सो फाइनली गाइज मैंने अप्लीकेशन फॉर्म स्टेप वन फिल कर दिया है। बेसिक डिटेल्स होती है इसकी, आप भी कर लेना। सेकेंड अपलोड अपने फोटोग्राफ सिग्नेचर कर लेना, फोटोग्राफ जो कि 100 KB से ज़्यादा ना हो और 80% आपका चेहरा हो। और सेकेंड स्टेप जो टू स्टेप पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, 10th के 12th के, अपनी क्वालिफिकेशन डिग्री, साथ में अपनी फाइनल मार्कशीट जिसमें परसेंटेज लिखे हैं वो भी मांगा गया है इसमें। हो गया अपना जो सर्टिफिकेट, अगर आपको लगाने हैं आपने कोई चीज़ों में किया है, थिएटर वगैरह मैंने भी लगाया है, डांस वगैरह की सर्टिफिकेट, तो एक्स्ट्रा में आप वो भी लगा सकते हो। सो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लगाने के बाद अब आप आ जाओगे अपने थर्ड सेलेक्ट कोर्सेज में। तो चलते हैं कोर्सेज में। फोर्थ तो मेक पेमेंट और प्रिंट अप्लीकेशन है, वो इजी है, हो जाएगा। सो थर्ड में अपन चलते हैं स्टेप थ्री में, सिलेक्ट कोर्सेज में। सो थर्ड स्टेप खोलोगे तो आपके सामने कुछ फीस स्ट्रक्चर आएगा अप्लीकेशन फॉर्म का। तो ये देखो आप अप्लीकेशन का कुछ फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फीस का, बता दूँ फॉर वन कोर्स। अगर आप कोई भी एक कोर्स चूज़ करते हो इस कैटेगरी में तो आपकी इतनी फीस है, इस कैटेगरी में ये इतनी फीस है। अगर आप फॉर टू कोर्सेज चूज़ करते हो, मतलब आपने आपको ऑप्शन है ए बी सी, यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है। देखो ये थर्ड पॉइंट जो लिखा है इसमें कि आप मैक्सिमम वन कोर्स ईच ग्रुप से चूज़ कर सकते हो। अगर आपने एक ग्रुप को एक ही कोर्स चूज़ किया है तीनों ग्रुप से तो आपकी फीस इतनी है अप्लीकेशन फॉर्म की। अगर आपने दो कोर्स चूज़ किए हैं, भले वो ग्रुप ए से हो, बी से हो या सी से हो, तो आपकी फ़ीस कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी हाफ में, तो टोटल इतनी पड़ेगी और यहाँ पे इतनी पड़ेगी। और अगर थ्री कोर्सेज आप चूज़ करते हो, सबसे एक एक कोर्स चूज़ करते हो फाइनली हर ग्रुप से, तो आपकी टोटल फीस जनरल की इतनी पड़ेगी, SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट की पड़ रही है इतनी। सो ये आपका फीस का हो गया। एंड देन आप सेलेक्ट कोर्सेज पे आ जाओ, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे सेलेक्ट कोर्सेज में। ग्रुप ए में कौन कौन से हैं? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट डिज़ाइंस, एनिमेशन सिनेमा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट, प्रोडक्शन फिल्म टेलीविज़न, स्क्रीन एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग जो फिल्म टीवी एंड वेब सीरीज के लिए है। और ग्रुप बी में सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले राइटिंग, एडिटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिजाइनिंग। ग्रुप सी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, सिनेमेटोग्राफी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, डायरेक्शन, डायरेक्शन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, एडिटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी, साउंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया, साउंड रिकॉर्डिंग एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग और राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया। सो गाइस ये ऑप्शन आपके ग्रुप सी के हो जाते हैं। तो ये सर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा अपने पास फॉर मेक पेमेंट एंड प्रिंट एप्लीकेशन। पेमेंट के लिए मैं आपको ध्यान दिला कि पेमेंट आपके डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से होगी ऑनलाइन माध्यम से। सो इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट आप सबको। ये एक काम है, आ जा अपने साथ। तो मैं आ गया छत पर और नानी ने बोला कि ये ले झाड़ू और ये ले क्या बोलते हैं इसको, सीख वाली झाड़ू, राइट। सो दोनों को यहाँ लगाना है। अभी पूरा छत साफ करेंगे, टाइल वाइल थोड़ा सा हरक देता हूँ, फिर मैं फॉर्म भरने जाता हूँ फटाफट। सो गाइज फाइनली मैंने वीडियो बना दी है सारे टॉपिक की, आपको कवर कर दिया अप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो अभी आपको वीडियो कैसे लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ। ओके, बाय, सी यू लेटर।